दुनिया के, तो सारी दुनिया को हमको अपने उदाहरण से सिखाना है। हमारे देश से ऋषि मुनि भिक्षु श्रमण साधु संत सब प्रकार के विचारक वैज्ञानिक संत जाते रहे, प्राचीन काल में गए, मेक्सिको से साइबेरिया तक। यातायात के साधन नहीं थे तब गए, कभी किसी के राज्य को विजित नहीं किया, कभी किसी के संस्कृति को बदला नहीं। वहां जो चल रहा था उसको अधिक उन्नत किया, सेवा की। और इसलिए हमारे यहां के कवि कह सकते हैं, मैंने छाती का लहू पिलाकर पाले हैं दुनिया के क्षुधित लाल। यह हमारा इतिहास है और यही हमारा वर्तमान है। विभिन्न कारणों से अपनी आजीविका के लिए भी दुनिया भर में बसे भारतीय मूलों के लोग वहां कैसे रहते हैं, वहां की जनता को, वहां के सरकारों को पूछो। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, भारतीयों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। ये सबका सम्मान करने वाले, सबको स्वीकार करने वाले लोग हैं। ये कट्टर नहीं है, ये दम्भी नहीं है, ये अहंकारी नहीं है, ये झगड़ालू नहीं है। सब लोग मिलजुल कर चले, सब लोग सृष्टि के साथ भी मिलजुल कर चले और मिलजुल कर सारा विश्व प्रगति पथ पर आगे बढ़े, ऐसा मान्यता रखने वाले, ऐसा व्यवहार करने वाले ये लोग हैं। ये अभी तक हमारी मान्यता है। केवल भारत का ये उदाहरण है, क्योंकि भारत के पास सबको जोड़ने वाला ये सत्य है। और इसलिए ऐसे भारत को खड़ा करना, हमारे सामने विजय का नया क्षितिज है। 1947 के पहले हम कहते हैं कि स्वतंत्र होना, संपूर्ण स्वातंत्र, ये हमारा लक्ष्य है। पूज्य दादाजी ने अभी पूछा है, सच्चे अर्थ में हम स्वतंत्र है क्या? क्योंकि सबके जोड़ने वाली आत्मीयता को उत्पन्न करने वाला उस आत्म तत्व आध्यात्मिकता के आधार पर जानते नहीं, तब तक कोई आदमी सच्ची रूप से स्वतंत्र होता नहीं। और इसलिए उस आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर जो सब प्रयोगों की स्वतंत्रता देता है, सब प्रकार के चिंतन को स्वीकार करता है, आत्मीयता सिखाता है, विविधता में एकता देखने को सिखाता है, समन्वय से चलना सिखाता है, उस दर्शन के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर, उन प्राचीन शाश्वत मूल्यों के आधार पर आज के अद्यावत भारत का निर्माण, देश काल परिस्थिति सुसंगत भारत का निर्माण, ऐसा भारत जो सर्वांग सुंदर हो, जो परम वैभव संपन्न हो, जो सब प्रकार से समर्थ हो, निर्भय हो, लेकिन जिसके सामर्थ्य और निर्भयता के साथ उसके मन में करुणा हो, उसके मन में सद्भाव हो, उसका सामर्थ्य दुनिया की सेवा और परोपकार के लिए जुटे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, ये खलों का होता है, दुष्टों का होता है। हमारे सपनों के भारत के पास ये सारे गुण रहेंगे, लेकिन उपयोग क्या करेगा? साधोर विपरीत में तत्, साधुओं की रीति अच्छे लोगों की रीति उल्टी होती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा सामर्थ्य संपन्न भारत हमको चाहिए, जिसकी संपन्नता सुनीति सहित अवतरित होगी, जिसके विकास का पथ सर्वत्र मंगल की सृष्टि करने वाला होगा। भारत के मूल के विश्व भर में बसे हुए लोग वहां इसके अपने सनातन मूल्यों के आधार पर अद्यतन जीवन का उदाहरण सामने रखते हुए और सारे विश्व को इस एकात्मता को, समन्वय को, उदारता को पढ़ाएंगे, ऐसा जीवन रखेंगे, ऐसा भारत उनका पोषण करने वाला। विश्व भर में कोई व्यक्ति है जो इस भूमि से नाता बताता है,
इस भूमि के पूर्वजों से नाता जोड़ता है और आया अपने आप को इस संस्कृति का विरासतदार मानता है, तो संपूर्ण विश्व में वो निर्भय होकर, सुरक्षित होकर, प्रतिष्ठित होकर रह सके, ऐसा भारत हमको खड़ा करना है। ये हमारे सामने कर्तव्य है। हमने जो परिवर्तन देखा, वो समाज ने परिवर्तन किस लिए किया? समाज के बोलने में जो इच्छाएं आकांक्षाएं थी, उसके मूल में क्या था? भारतवर्ष के सामान्य व्यक्ति के मन में सुखी, संपन्न, निरामय जीवन की जो कल्पना है, वो इसी जीवन की कल्पना है। ऐसा जीवन प्राप्त कराने की अंतर मन में इच्छा लेकर तात्कालिक परिस्थिति के संदर्भ में चिंतन करते हुए यह परिवर्तन समाज ने लाया, सोच समझ के लाया। और आनंद की बात, अभी उस परिवर्तन को 6 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अपने अंतर्राष्ट्रीय संचार में, अंतर्राष्ट्रीय नीति के संचालन में, देश की सुरक्षा, देश की अर्थनीति आदि आदि अनेक जीवन के अंगों में, वहां जिनको समाज ने पहुंचाया, उनके करने से जो संकेत मिलते हैं, वो आशादायक, वो विश्वास जगाने वाले हैं, वो आनंददायक। बहुत उदाहरण इसके दे सकते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, 60 साल में फिर एक बार अचानक सी बाढ़ आई, सर्वग्रास, बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग काले कवलित हो गए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। इस बाढ़ से पीड़ित सब लोगों के दुख में हम सहसंवेदी है, परंतु ये होते ही नित्य के अनुसार समाज की संवेदना जागी। ऊपर से देखने वाले हमारे समाज में कितने भेद कलह है, परंतु कोई संकट अगर सबके सामने उपस्थित होता है या समाज के किसी अंग पर, तो समाज अपनी मूल एकात्मता का परिचय देता है, संवेदना से बर्ताव करता है। वैसे ही हुआ, सारा समाज जुड़ गया वहां राहत के लिए और अपने अपने स्थान पर जमा कर रहा है राहत के लिए साधन। संघ के संयोजक तो करते ही है, उनकी तो कीर्ति है, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। जिस दिन वो बाढ़ आई, उस दिन से काम में जुटे, राहत के लिए लगे। सेना ने अपनी कार्यतत्परता का फिर एक बार परिचय दिया, लेकिन केंद्र शासन भी तत्परता से उस राहत के लिए दौड़ा, वो बहुत वर्षों के बाद पहली बार देखी। ऐसे अनेक संकेत हैं, वर्णन मैं करता नहीं, क्योंकि रोज कुछ न कुछ आ रहा है, रोज हम पढ़ रहे, उस पर लेख आ रहे, जानकार लोग उसके बारे में टिप्पणियां कर रहे, हमारे सबके सामने। 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन लगता ऐसा है कि जिस सपनों के भारत के निर्माण का चित्र हमारे अंतर मन में है, शायद इस बार इस शासन के नेतृत्व में उस दिशा में धीरे धीरे बातें बढ़ेगी। अच्छी बात, आनंददायक बात है, परंतु अभी तो 6 महीना भी नहीं हुआ। इस आशा और विश्वास को कायम रखते हुए हमको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी हो और छू मंत्र करके सब ठीक कर दे, ऐसे हो नहीं सकता। विश्व में प्रचलित सारे विकास पथ अधूरे हैं, दृष्टि अधूरी है, खंडित है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, उनकी एक कमी का मैं निर्देश कर रहा हूं, उसके चलते समस्याएं हैं। लेकिन हमारा देश भी किस विचार पथ के प्रभाव में चल रहा है? वो तो स्वतंत्रता के बाद आज तक उसी अधूरे चिंतन के प्रभाव में हमारे देश में सारे कार्य चल रहे हैं। विश्व के प्रगत देशों के समाज को देखते हैं तो उनकी एक गुणवत्ता ध्यान में आती है। हजार वर्षों के आक्रमण के काल में जो अव्यवस्था, विपन्नता
और बाहरी आक्रमण की मार को झेलना, ये सब काम हमने किए, सतत लड़ते रहे, हमको ध्यान नहीं रहा और इसलिए उस गुणवत्ता की कमी हमारे समाज में भी है। अनुशासन चाहिए, दिखता नहीं। छोटी दिल्ली भी अपने शरीर को दिन में 10 बार अपनी जीभ से साफ करती है, और कुछ नहीं कर सकती। तो हमारे यहां अपने देश को स्वच्छ रखने का आवाहन प्रधानमंत्री को करना पड़ता है और अभियान को चलाना पड़ता है। ऐसे जो सामाजिक सहजीवन के, सह अस्तित्व के लिए आवश्यक ऐसी बातें हैं, हमारा अभ्यास छूट गया है। विविधताओं के भेद बन गए, उनको दूर करना अभी बाकी है। हमारे समाज के गुणवत्ता के बढ़ने की आवश्यकता है। सदियों से उस पर जो क्षरण की मार पड़ी है वो अभी रुकी नहीं, उसको रोकने का काम करना आवश्यक है। और ऐसी परिस्थिति होने के कारण दुनिया की और देश की जो स्वार्थी ताकतें हैं वो इन दुर्गुणों का लाभ लेती है, भेद की दरियों को और चौड़ा करती है और उन झगड़ों के आग पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकती है। वो ताकतें अभी भी कायम है, वो मिटी नहीं। भले ही लगता होगा वो पराजित हो गई एक लड़ाई में, लेकिन उनका निपात नहीं हुआ। ऐसी सारी बातों को लांग कर उस तंत्र में युगानुकूल परिवर्तन सनातन मूल्यों के आधार पर लाना, ये काम उस शासन को करना पड़ेगा। उसको समय लगेगा, करना तो पड़ेगा, सारी दुनिया से सीखना पड़ेगा। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, यद्यपि अधूरी खंडित दृष्टि है। जो कर्तृत्व उन्होंने किया है, उनके सद्गुणों ने कई बातों को पूरा भी कर दिया है, और इसलिए उस विकास पथ से लेने लायक क्या है उसका विचार करते हमारे देश के अनुकूल जो है वो लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। परंतु उसी समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये दृष्टि अधूरी है, वो उपयोगी नहीं हो सकती, और इसलिए उस अधूरेपन के कारण, खंडित दृष्टि के कारण वहां पे जो त्रुटियां आई है उनको सुधारना पड़ेगा, अपने देश में उसके प्रयोग करने पड़ेंगे। अपने सनातन मूल्यों के आधार पर आज की परिस्थिति में चलने लायक ऐसा एक काल सुसंगत उदाहरण तंत्र का, नीति का, विकास का यहां पर शासन प्रशासन को मिलकर करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी देशों की दृष्टि कुछ हो, हमारी दृष्टि तो पक्की है। हमारा विकास हुआ हम तब कहेंगे, हम संपन्न हुए हम तब कहेंगे, हम सुरक्षित हुए ऐसा हम तब कहेंगे, जब हमारी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो संपन्न है, वो सुरक्षित है, वो विकसित है, तब हम कहेंगे। वही हमारा लक्षण है, हमारा पैमाना साफ है। दुनिया करती है जीडीपी की चर्चा करती है और कई बातों की चर्चा करती है, लेकिन हमारे देश में मानक तो एक ही है। आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी, उसका भला होना चाहिए। उसके लिए क्या रहा है, उसके स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, सब देशों से दुनिया भर से लेना है, लेकिन हमको ये ध्यान में रख के अपने तंत्रों को विकसित करना पड़ेगा। उस लेने का भी उपयोग क्या हो, क्योंकि सुरक्षा और संपन्नता ये तभी तक रहते हैं जब तक हम आत्मनिर्भर हैं। अगर हम सब बातें अपनी खुद नहीं कर सकते, परनिर्भर है, परावलंबी है, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ऐसी कई बातें हैं। आत्मनिर्भरता का पैमाना हमारे सब प्रकार की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा से लेकर तो जल अन्न सुरक्षा तक, सब बातों में ये आत्मनिर्भरता काम करती है। उधार के पैसे पर संपन्न होने वालों को संपन्न नहीं कहते, जिनका अपना उत्पादन रहता है, जिनका अपना, अपनी कुछ बचत रहती है, जिनकी अपनी कुछ स्टेट रहती है, उनको संपन्न कहते हैं। आत्मनिर्भरता ये संपन्नता का भी लक्षण है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
ऐसा करते समय हमारे लिए मार्गदर्शन भी है। सौभाग्य से आधुनिक काल में भी स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, अनेक चिंतक हो गए, स्वामी रामतीर्थ, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, उनसे लेकर तो महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, पूज्य विनोबा भावे, संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी, जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, और अभी जिनके दर्शन का 50वां वर्ष चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय, अनेक लोगों ने अपने देश की अर्थनीति, सुरक्षा की नीति, परराष्ट्र नीति, सामाजिक नीति, महिलाओं के संबंध में, जातक, कई बातों में बहुत व्यापक और गहन चिंतन किया है और कई लोगों ने प्रयोग भी किए। हमको दुनिया भर में जो ज्ञान है उससे जो अच्छा है वो स्वीकार करते समय अपने इस चिंतन, अपने इस ज्ञान पर पैर पक्के रखकर चलना पड़ेगा। उसके आधार पर देश में एक काले सुसंगत पथ का निर्माण करना पड़ेगा। परंतु केवल शासन प्रशासन कुछ करे तो सब हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमारे में क्षमता है, सारी दुनिया को भारत दे सकता है, क्योंकि पूर्व में एक बार दिया है। विश्व का सर्वोच्च देश हम कई शताब्दियों तक रहे, सारे विश्व को व्यापार दिया है, अर्थ दिया है, ज्ञान दिया है, सब दिया है। विश्व के हम नेतृत्व में थे, ऐसे अनेक साल गुजारे हमने, हमारे खून में है, हमारी क्षमता में है, हम कर सकते हैं। इस स्वाभिमान और विश्वास के साथ उन सनातन मूल्यों के आधार पर एक नई रचना खड़ी करने का काम है, कठिन काम है। अकेले शासन और प्रशासन कर लेंगे ऐसा मानना नहीं, परिवर्तन तो लाए हमने उसी के लिए, लेकिन हमारा काम समाप्त नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति बहुत जटिल है, बहुत जटिल, संकट भी बहुत, हम जानते हैं, अपने देश की परिस्थिति भी देखें तो दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, वहां जाएंगे घूमेंगे तो ध्यान में आएगा, पेपर में भी आता ही, जिहादी गतिविधियों में वृद्धि हो गई, संघ के भी कई कार्यकर्ताओं की तमिलनाडु में हत्या हो गई और उसकी जांच, दोषियों को पकड़ना, ठीक से उनका निपटारा करना, इसमें जो गति चाहिए, दृष्टि चाहिए, वो वहां के सरकारों के करने में दिखती नहीं। पुलिस है, बहुत सारी बातें हैं वहां पर, लेकिन उनके होते हुए भी और बार बार सावधान करने के बाद भी इन गतियों की वृद्धि हो रही, गतिविधियों की वृद्धि हो रही। पश्चिम बंगाल में, असम में, जो छोटा सा हिस्सा बिहार का भी लगा है बॉर्डर पर, उस सारे इलाके में ये जो अवैध घुसपैठ होती है, घुसपैठ ये आते हैं, तस्करी करते हैं, जनसंख्या असंतुलन उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, और मतों की आशा में लांगुल चालन की नीति चलती है। वहां राज्य सरकारें हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनको अनदेखी उनकी करती है, क्यों, मतों की लालच है, तुष्टीकरण की नीति चलती है, उसके चलते वहां हिंदू समाज का जीवन तो खतरे में आएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही रही है। सीमा के उस पार भी बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक जो हिंदू है उनकी जैसी हालत है, लगभग वहां तक बातें जाएगी, क्या ऐसा भय, वहां के हिंदू समाज को सता तो रहा ही है, लेकिन इतना ही नहीं, देश के सीमा की सुरक्षा संकट में आ गई है, कानून और व्यवस्था भी संकट में आ गई है, ये स्थितियां हम देख रहे हैं। देश के संपत्ति की लूट हो रही, दक्षिण भारत के समुद्र किनारे से, वहां के रीति में थोरियम आता और कई प्रकार के, जिनको अंग्रेजी में रेयर अर्थ्स कैसे, ऐसे बिरला मूल द्रव्य मिलते हैं, उसके लिए उस रीति की तस्करी होती है, वर्षों से चल रहा है, थम नहीं रहा है,
उस पर कोई उपाय योजना होती हुई दिखाई देती नहीं, क्योंकि मतों की नीति उन माफियाओं का भी लांगुल चालन करती। ये सब ठीक होने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी जटिल परिस्थिति में सरकार और प्रशासन जो अपना काम करेगा ऐसे संकेत दे रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन समाज का भी कुछ दायित्व बनता है कि नहीं? घुसपैठिए घुसते हैं और यहां आकर घुल मिल जाते हैं, रेशन कार्ड और मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज होता है, तो उनको मदद किसकी मिलती है? हमारे अपने समाज के लोगों को ही मिलती है। कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि बंगाल आसाम की उस पर्याप्त जल वाली भूमि में खेती का परिश्रम वाला धंधा लोग छोड़ देकर घुसपैठियों को राशन कार्ड प्राप्त करा देने का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उससे आय ज्यादा होती है। ये लोग कौन है? ये कोई बांग्लादेश के लोग नहीं है, पाकिस्तान के लोग नहीं, ये हमारे अपने देश के नागरिक है, हमारा अपना समाज है। अज्ञान है, स्वार्थ है। मांस निर्यात बंद होनी चाहिए। अपना देश जिस प्रकृति का है उसमें मांस, प्राणियों के मांस से पशु पक्षियों के कमाना ये नहीं चलेगा, वो बंद होना चाहिए। विशेषकर गोवंश जो अपने अर्थतंत्र के रीढ़ की हड्डी बन सकता है और पहले था और वही एकमात्र सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त साधन है, उसकी हत्या तो पूर्ण बंद होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन फिर समाज में शाकाहार बढ़ रहा है कि मांसाहार बढ़ रहा है यह भी देखना पड़ेगा। समाज गौसेवा कर रहा है कि जब तक गाय से पैसा मिलता है तब तक रखता है, और बूढ़ी होने के बाद गाय और मां बाप को वृद्धाश्रम में और गाय को गौशाला में बेचता है, ऐसा समाज है। तो सरकार क्या करेगी, कितना करेगी? समाज के विचारों में और आचरण में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने की बात करते सरकार चीन के सामने डटकर खड़ी रहे पाकिस्तान, ऐसा हम कहते वही नई सरकार लगता है खड़ी रह रही, परंतु जब तक हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियों तक, रोज के उपयोग की वस्तुओं तक चीन का बना माल खरीदना छोड़ नहीं देते, तब तक सरकार को बल कहां से मिलेगा? स्वदेशी का आचरण समाज अगर नहीं करता आग्रह पूर्वक, तो अर्थतंत्र की आत्मनिर्भरता कहां से आएगी? नक्सली उग्रवाद चलता है, सरकार की नीति होनी चाहिए, उसका काम है। केंद्र और राज्यों की कुछ संयुक्त नीति बने, वो कारगर हो, राह देख रहे हैं, अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये नक्सलवाद आया कहां से? उसको ये बारूद कहां से मिलती है? मानवीय उनके उनके अनुयायी कहां से मिलते हैं? समाज में जो शोषण दमन चलता है उसके चलते उसको अंग्रेज में कहते कैनन फॉडर, वो मिलता है। शोषण करने वाले कौन है? अपने ही समाज के लोग हैं। किसका शोषण कर रहे? अपने ही समाज के लोगों का कर रहे। हम इतने सारे लोग हैं, हमको उस शोषण के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। अगर विकास वहां तक पहुंचा नहीं है तो शासन को पहुंचाना चाहिए, उनको पारदर्शी जवाबदेह होना चाहिए, ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है। ठीक है, समाज का भी कुछ कर्तव्य है, समाज भी अपने सेवा के द्वारा अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के अभियान में अपना योगदान करे। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प चलते हैं, बहुत सारे संगठन काम करते, उनका बल बढ़ावे। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वो अर्थ के लिए पंगु न बने, इतनी तो चिंता करें। समाज के मन में यह संवेदना हो, मेरे अपने समाज के और इन भाइयों को हम शोषित नहीं रहने देंगे, शोषण मुक्त समता युक्त समाज खड़ा करेंगे, अपने आचरण से अपने उद्यम से खड़ा करेंगे। ये समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सेना से लड़ने की अपेक्षा करते हैं तो समाज का जो सेना के बारे में संवाद चलता है, माध्यमों का चलता है, वो उनका मनोबल घटाने वाला नहीं होना चाहिए, बढ़ाने वाला होना चाहिए। सेना में अफसरों की कमी है, समाज में तरुणों की कमी है क्या? सबसे ज्यादा तरुणाई वाला देश हमारा आ रहा है सामने, और ऐसे समय में देश के सेना को अफसर नहीं मिल रहे, 23,000। तो समाज को कुछ दायित्व है कि नहीं? अपने बच्चों को केवल डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर ही बनाएंगे
कि सेना में, पुलिस में, न्यायपालिका में, फौज में, पत्रकारिता में भेजेंगे। समाज जीवन के जिस अंग में अच्छा काम करने की आवश्यकता है, अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता है, वहां पर अच्छा काम करने वाला क्षमतावान अच्छा व्यक्ति जाएगा कहां से? वो जाएगा तो समाज से, और इसलिए समाज को यह करना पड़ेगा। समाज के जीवन का प्रतिबिंब समाज के परिस्थिति में मिलता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ऐसा है ना अपना, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोट्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। ये अपने घर का परंपरागत संस्कार है, अपने घर में ये ढीला हो गया तो स्वाभाविक नशाखोरी बढ़ रही है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे, अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। उसको रोकना, कड़ा कानून देना, दंड देना आवश्यक है, शासन को करना है, प्रशासन को करना है। परंतु हम प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे तुम इलाज करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। इस प्रवृत्ति को अगर रोकना है तो संस्कारों का पुनर्जीवन समाज के वातावरण में, समाज के घर परिवारों में होना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो परिस्थिति का नियंत्रण करने वाली व्यवस्थाएं कितने दिन चल सकती है, कितना कर सकती है? और इसलिए हम लोगों को भी अपने देश को ऐसा सिरमौर देश बनाकर खड़ा करना, उस कर्तव्य के प्रति ध्यान देने के लिए, उसमें अपने भी करने का कुछ सहभाग है, इसकी ओर जागरूक होना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? मनस्थिति ऐसी बनती है कि सब कुछ सरकार करे, हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार करे। परंतु सब कुछ सरकार कैसे करे? कुछ बातें तो हमको ही करनी है, कुछ बातों के लिए सरकार के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, पैरों पर खड़ा करने वाली चाहिए वगैरह वगैरह कहते हैं हम, लेकिन शिक्षा क्या केवल विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में होती? क्या अपने घर में संस्कारों की शिक्षा नहीं होती? हम अपने बच्चे को कैसा खड़ा कर रहे हैं? उसकी वृत्ति क्या बना रहे हैं? उचित अनुचित का विवेक देकर दुनिया में वो खुला घूम सके और घूमने के बाद भी उस पर अनिष्ट परिणाम ना हो, इतना मजबूत उसको बनाने का काम अपने घर में हो रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। माध्यमों से कुसंस्कार न जाए, जनता का प्रबोधन करना आपका कर्तव्य है। तो विकारों को भड़काने वाले विज्ञापन, विकारों को भड़काने वाले समाचार न परोसे जाए, इस पर कोई नियंत्रण की व्यवस्था शासन प्रशासन लाए, ठीक है, माध्यमों का, शासन प्रशासन का कर्तव्य है। परंतु दूरदर्शन पर क्या देखना, ये तो अपने हाथ में है। अपने घर के बालकों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसका विवेक, इसका संस्कार देना, वो तो अपने हाथ में है। ये सारी बातें तो शास्त्र कहता है, विज्ञान कहता है कि 6 वर्ष का बालक हो जाता है तब तक उसकी प्रवृत्ति किस दिशा में बढ़ेगी ये तय हो जाता है। बाकी तो सारी बाहर की बातें हैं, बात की जानकारी है, लर्निंग है, इंफॉर्मेशन है, स्किल लर्निंग है, लेकिन दिशा क्या रहेगी जीवन की, पिंड क्या रहेगा, ये तो 6 साल की आयु तक बन जाता है, वो तो घर में ही बनता है। ये सारी बातें हमको करनी पड़े, हमको अपने परिवार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अपने परिवार में, हम देश में जिस प्रकार का जीवन चाहते हैं, उस प्रकार का जीवन जीने की इच्छा रखने वाला बालक खड़ा हो रहा है कि नहीं, उस पर वो संस्कार हो, इसलिए हम जो घर के बड़े लोग हैं उनका अपना उदाहरण है कि नहीं। नहीं तो हमेशा सत्य बोलने का उपदेश करना बालकों को, और बालक निद्रा का स्वांग करके पड़े हैं तब माता पिता का संवाद सुनते हैं, उसमें उनको अनेक झूठ मिलते हैं, तो उपदेशों का परिणाम नहीं होगा, उदाहरण होना पड़ेगा, आत्मीयता होनी पड़ेगी। क्योंकि बिना घर परिवार में मुक्त संवाद चले ये बातें हो नहीं सकती। मैंने सुना है कि आजकल समय ही, बच्चों से बात करने का समय नहीं रहता, ऐसे कैसे समय नहीं रहता? जिस कमाई में ये समय आप लगाते हो वो कमाई कर किसके लिए हो? क्या कमाई से केवल जीवन चलता है?
और इसलिए अपने घर में यह मुक्त संवाद आत्मीयता का वातावरण, आज की पीढ़ी अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती है, वो केवल आज्ञाकारी